किसान भाइयों राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हो। हम इस समय हैं कुरावली मंडी, जिला मैनपुरी। आज है 30 अप्रैल 2023, दिन रविवार यानी कि संडे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आज आमदनी है। करीब करीब 8 से 10 मोटर तक की आमदनी होगी आज। हाँ, आप कहाँ से हो? नगला उदी। आलू आए थे? अच्छा, बिक गया? हाँ। क्या रेट बिका? 241 रुपए मन। मन के हिसाब से बिकता है यहाँ पे आलू? 241 रुपए मन बिका है। अच्छा, तो कितना डंप है उधर आपके गांव में? थोड़ा ही रह गया। थोड़ा रह गया, कितना दिन चलेगा? और 10 दिन। 10 दिन और? कोल्ड वोल्ड खुले इधर कि नहीं खुले अभी? इधर अभी नहीं खुले। अच्छा, क्या उम्मीद लग रही कब तक खुलेंगे? डंप नहीं निपट रहा अभी है? डंप चल रहा है खूब, तो 10-12 दिन खूब चलेगा डंप। अच्छा अच्छा, इधर भी कुछ देखो भाई, टाली वाली लगी हुई है, देखते हैं क्या है। आलू वगैरह तुल गया है। इधर कुछ आरती है, इधर लेते हैं कुछ जानकारी इनसे। राम राम भैया। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल। क्या जी, क्या बिक्री है आज बताओ? आज बिक्री भैया बहुत टाइट है। बहुत टाइट है। चाचा जी इधर आओ। कितने आज आमदनी कितनी होगी? आज आमदनी आज 5 से 6 मोटर। 6 मोटर बस? कुछ ज्यादा लग रही 6 मोटर से? 6 मोटर से ज्यादा नहीं। आज शुभ नाम बता दीजिए अपना। गिरीश गुप्ता। अच्छा अच्छा, ये व्यापारी हैं? जी जी व्यापारी। अच्छा अच्छा, कैसी लिवाली वाली है आज? लिवाली बढ़िया है आज, फास्ट लिवाली। फास्ट लिवाली है? शताब्दी वाली? हाँ शताब्दी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे बिक्री हुई आज? क्या किस रेट बिकी आज? टाइट है आज। अच्छा, 25 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा अच्छा, तो कहाँ तक ऊपर में कहाँ तक बिका आज आलू? ऊपर बिका है 325 रुपए तक। 325 रुपए मन? मन। अच्छा, और नीचे में? नीचे मान लो 225। 225 थी, यानी कि कल से कुछ 20-25 रुपए टाइट आया। संडे वाले दिन टाइट रहता है ये खास करके? ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी, क्योंकि आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेवल ज्यादा है क्योंकि फरखाबाद की मंडी आज बंद रहती है, कि तो हो सकता है थोड़ा बहुत असर रहता है उसका भी यहाँ पे, लेकिन दूर पड़ता है सस्ती वजह से इधर उधर नहीं हो पाते जी। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है अभी इस बार पिछली साल की अपेक्षा? एंड तक अच्छा है, एंड तक अच्छा रहेगा। अभी बीच में तो बहुत सस्ता बिक रहा था आलू। वो तो किसान का बिका मतदा और कोल्ड में मत नहीं बिकेगा, इतनी पहली भर दी है कोल्ड जी, डंप लगी बुरी तरीके से, तो व्यापारी आराम आराम से लेगा। डंप खूब चल रहा है, डंप फरकाबाद में मंडी में चलेगा 15-20 दिन कम से कम। अच्छा, 15-20 दिन खूब चल जाएगा डंप? चलेगा, डंप चलेगा, मौसम साथ दे रहा है इस समय। हाँ हाँ, इसलिए कामयाबी है। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो भगवान की लोडिंग चल रही है। गर्मी होती तो भाग जाते व्यापारी अब तक। हाँ हाँ, गर्मी होती तो व्यापारी नहीं। चल रहा ना उत्तर प्रदेश में? जी 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 जी, निकाय चुनाव। जी हाँ जी, खपत है। जी हाँ जी, निकाय चुनाव 4 तारीख के बाद मत दिया जाए, फिर आलू बचेगा। अच्छा, पाकिस्तान बेच ले, समझा दो। जी जी, आपने बहुत पते की बात बताई है। बता दिया, निकाय चुनाव चल रहे हैं, 4 तारीख तक डिमांड भी रहेगी, खपत भी रहेगी। 4 तारीख के बाद किसान फंस जाएंगे, और अभी किसान भी माल कम ला रहे, डंप है फिर भी कम ला रहे, गेहूँ को गल्ला कट रहा है उसमें लगा हुआ आदमी। किसान भी तो बिजी है। बिजी है, इसलिए जी शादी भी अभी निकल रही है और निकाय चुनाव भी है, इसलिए खपत है अच्छी। 4 तारीख के बाद दिक्कत आ जाएगी, आलू लूज पड़ जाएगा, तो किसान समझने वाले, इसलिए किसान को सूचना मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बात, सही आप कहने गए कि वो अभी स्टैंप सही सूचना मिलना बहुत जरूरी है, पर माल ला करके अपना बेच दे जो ज्यादा अच्छा है। 4 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना। देखो आलू संग नहीं देगा ना, साथ नहीं देगा। जब आलू संग नहीं देगा तो मार्केट 19-20 होगी, 19-20 होगी, व्यापारी फिर व्यापारी भी नहीं रुकेगा मंडी में। किसान भाई के लिए सूचना करो, अपना जो भी आलू है मेहनत करके ले लपेट मार्केट में ला करके अपना खपत करके क्लियर करो जी, नहीं तो 4 तारीख के बाद दिक्कत आएगी, आलू भी लूज पड़ जाएगा। लेकिन किसान तो बराबर लेके आ रहा, फरखाबाद मंडी में तो खूब भरी भरी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सीजन चल रहा हो आलू का। सीजन चल रहा है फिर भी आलू कम आ पा रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ यहाँ पर बताओ, 5-6 गाड़ी की आवक, यहाँ बहुत कम है, 15 गाड़ी यहाँ ले वाले में। हाँ, 6-7। अच्छा, साउथ की बिल्कुल बंद होगी यहाँ से, साउथ की माल ही नहीं पहुँचेंगे, ये माल नहीं पहुँच पाएंगे, लगता ही नहीं आलू।
जी जी, आगरा खुल गया, कोल्ड खुल गया, सुकोबाद खुल गया, टुडला खुल गया, जी जी, कोल्डो से माल जा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ये भी व्यापारी 4 तारीख के बाद भाग जाएंगे। कैसी सौदा हो रही है वहाँ पे, आप थोड़ी जानकारी बताइए किसान भाई। आगरा में सुकोबाद में 650 रुपए हाई है, नीचे में 500, नीचे में 500। ये कोल्ड भाड़ा सही था, मैं कम्प्लीट हाँ मैं कम्प्लीट है, कोल्ड भाड़ा हटा के ही किसान अपने जोड़ा। अच्छा अच्छा, और तिरसागंज को सौदा हो रही है तिरसागंज में। हाँ, सिरसागंज खुल गया, कौन? अच्छा, सिपोहाबाद, टूडला, आगरा सब खुल गए। जी जी जी, फरकाबाद भी खुल गया। हाँ, अपने कुछ व्यापारी हैं वो अपने घटा रहे हैं, मतलब जो भाव खुल गए, जी जी, गाड़ी 10 गाड़ी कटी है फरकाबाद में भी। जी जी जी, हाँ, 450 से 500 हाइब्रिड का खुला है गड्ढ का। जी जी जी, हाँ, तो आपका ये कहना है 4 तारीख तक जो है भाव अभी अच्छे बने रहेंगे फिलहाल, सही रहेंगे, और माल बेचना चाहिए किसान को, नहीं तो आलू लूज पड़ जाएगा, फंस जाएगा, फायदा क्या उससे। जी, ये तो बताओ जी, किसान की इतनी बात है, उसे मार्केट में लाके अपना माल खपत कर देना चाहिए, बेचना चाहिए, खत्म हो रही है, मई लगने वाली है, फिर क्या होगा माल जब, और 4 तारीख के बाद मौसम भी खुल जाएगा तो हो सकता है, तो गर्मी रेट की नहीं है, जब माल ही लूज पड़ जाएगा तो बिकेगा कैसे, बिकेगा कैसे, दिक्कत आएगी सामने, बात रेट की नहीं है। जी जी जी, अभी हाल हम कल चले जाए व्यापारी कोल्ड में, जी आलू कोई लेने वाला कोई नहीं होगा, यही आलू 300 वाला 200 बिकने लगेगा, फड़वा कहेगा जाए वो लेंगे, तो बेचो बेचो मत बेचो। हाँ, जब व्यापारी नहीं रुकेगा मंडी में तो आलू बेचा किसके हाथ जाएगा फिर, इसलिए माल को खपत करना चाहिए। जी जी, ये समय है जी, मई अप्रैल खत्म हो रही है, जी मई लगने वाली, कल मई कल से लग जाएगी, मई आज 30 तारीख है, कल से मई लग जाएगी। हाँ, आलू लूज पड़ेंगे, आज व्यापारी तो कोल्ड मांग जाएगा, जब उसकी वहाँ जाएंगे आलू लूज पड़े, अभी मना कर रहे हैं, मेरी महाराष्ट्र बात भी मना कर रहे हैं आलू भेजो। अच्छा, छत्तीसगढ़ मने कर रहे, महाराष्ट्र मने कर रहे, भैया आलू मत भेजो, कोल्ड का चाहिए, कोल्ड का चाहिए, कोल्ड की डिमांड आएगी और मंडी की डिमांड वाले तो बिल्कुल मने कर चुके, नहीं वो उनको साउथ तो मिलेगा, 10 दिन से बंद है, मने कर दिया टोटल आगरा जी, सिरसागंज सब कोल्ड का चाहिए, कोल्ड का चाहिए, पहुँचने में समय लग जाता है, बहुत दूर की मंडियाँ आई हैं। जी जी, और चलिए लॉकर वगैरह आ रहा है यहाँ पे मंडी में? नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, बहुत कम है। और हॉलैंड वगैरह? हॉलैंड आ रहा है, एक आध कोई ट्रैक्टर आ जाए। अच्छा, क्या बाजार है यहाँ पे हॉलैंड का? यहाँ पे हॉलैंड का बाजार है 600 रुपए क्विंटल से लेके 850 रुपए तक, 850 रुपए तक, हाँ हाई क्लास। जी, ज्यादा अच्छा हो तो 900 ही बिक जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं बिकेगा, 850 का मार्केट है। किसान भाइयों, आइए मिलते हैं कंचन वर्मा जी से, आलू वाड़ती कुरावली मंडी जिला मैनपुरी। भैया राम राम। कैसी लिवाली है आज रविवार को देखते हुए? लिवाली बढ़िया है। अच्छा अच्छा, कितनी आमदनी आज हो गई होगी आज लगभग संडे वाले दिन? 10 मोटर। अच्छा, ये 10 मोटर करीब करीब 15 दिन से यही चल रही, 10-12 मोटर, 10-12 मोटर की। दिन पहले 15-16। अच्छा, 2 दिन पहले 15-16 मोटर तक आ गई थी। अच्छा अच्छा, कैसी बिक्री, क्या किस रेट बिक रहा है आज आलू? आलू 600 रुपये से 800 रुपये कुंटल तक, 600 से 800 रुपये कुंटल। और लॉकर वगैरह आ रहा है यहाँ पे मंडी में? लॉकर कम आ रहा है। अच्छा, उसका क्या भाव चल रहा है यहाँ पे? लॉकर वाला भाव आलू कमाने की वजह से यही भाव 700 रुपये से लेके 850 रुपये, 700 से 850 रुपये तक। अच्छा, कोल्ड वोल्ड इधर खुले या नहीं खुले अभी मैनपुरी क्षेत्र में? इधर अभी नहीं खुले। अच्छा, अभी मंडी से ही काम चल रहा है व्यापारियों का? हाँ, मंडी से ही। हाँ, ये अभी कब तक आलू चलेगा इस मंडी में? अभी ये 8-10 मोटर बराबर जो अभी चल रही है, 10-12 दिन चलेगा, 10 से 12 दिन तक। आज 30 तारीख है, मतलब कि 30 अप्रैल आखिरी महीने, 15 तारीख तक खत्म होगा, 15 तारीख तक लास्ट हो जाएगा है। और कोल्ड कब से शुरू हो जाएंगे, हो सकते हैं? कोल्ड भी 15 तारीख तक खुल जाएंगे, 15 तारीख तक खुलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है किस भाव से खुल सकते हैं कोल्ड? आइडिया वही है 400 से 550 रुपये तक, 400 से 550 रुपये प्रति पैकेट तक। हाँ, ये भाड़ा हटा के? नहीं, हाँ मैं भाड़ा के, मैं भाड़ा के। अच्छा अच्छा, तो आजकल से कुछ सुर्खी है या कल जैसे ही भाव है, शनिवार जैसे ही भाव है? सर भाव वही है, ले वाली आज कुछ नहीं आया, थोड़ी आमदनी कम हुई है। अच्छा, कल 13 मोटर की करीब आमदनी थी, आज 10 की, कल 13 मोटर की थी, आज 10 की, 3 मोटर का आज की आमदनी कम है फिलहाल।
अच्छा, संडे वाले दिन बिक्री अच्छी होती है क्या? थोड़ी थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी होती है। अच्छा, आवाज बंद रहने की वजह से अच्छी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, साउथ की गाड़ियाँ से जा रही हैं? नहीं अभी साउथ तो गाड़ी हम नहीं जा रही है, क्योंकि साउथ में हम उधर आगरा वाला चलने लगा। आगरा का चल रहा है, आगरा में बिक रहा है ना आलू? आगरा कोल्ड चालू हो गया। जी जी जी, किस रेट बिक रहा है उधर, आपको जानकारी है कुछ? 600 से 650 रुपये पैकेट। अच्छा, इधर ये झारखंड बिहार झारखंड जा रहा होगा इधर? बिहार झारखंड। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार है, झारखंड है जी, छत्तीसगढ़ है जी। जी, कैसा लग रहा है भविष्य इस बार पिछली साल की अपेक्षा? बीच में आलू किसान पिट गया, बीच में बहुत मद्दा पिट गया, लेकिन अब तो जी सही लग रहा है। जी जी जी, आगे कोल्ड भी अच्छा रेट में मिल जी। हाँ जी, अभी बीच में बहुत मतलब 300 रुपये मतलब 80 रुपये मन तक बिक गया था आलू, मतलब 150-200 रुपये कट्टा बिक गया। जी 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 जी, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि देखो आगे क्या हो सकता है आलू का, लेकिन अब जो है भाव ऐसे भाव है कि आगे आने वाला भविष्य सुनहरा लग रहा है अभी। अच्छा सर, लाइसेंस का किस रेट बिक रहा है? लाइसेंस आ रहा मंडी में इस बार? लाइसेंस मंडी में आ रहा है, एक मोटर का आवक आता शुक्र सोमवार को 8 बजता है। अच्छा, और लाइसेंस की पोजीशन 3000 रुपये से 6500 रुपये कुंटल। 3000 से 6500 रुपये कुंटल तक का भाव चल रहा है। ठीक, धन्यवाद। देखो भाई, किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ ख्याति आलू है छट्टा। कलर अच्छा है और साइज भी अच्छा है भाई, लेकिन थोड़ा बहुत कोई आलू देखिए, ये आलू जो है लूज हो रहा है कुछ। इधर हमारे साथ किसान है, लेते हैं कुछ जानकारी इनसे। शुभ नाम बता देना अपना। किस गांव से हो आप? अलीपुर खेड़ा से। अच्छा अच्छा, कितना डंप है उधर अभी आपके क्षेत्र में? अब लगभग समाप्त है। अच्छा, दो चार मोटर। किस रेट बिका ये आलू आपका? ये बिका है 305 रुपये। 305 रुपये मन के हिसाब से? अच्छा, 305 रुपये मन, यानी कि करीब करीब हो गया जाके ये हो गया लगभग पौने वो 750 के आसपास, 750 से ऊपर हो गया। 750 से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, 765 रुपये के आसपास। हाँ, इसमें 42 किलो आपको तुराई देनी होगी, 40 kg का पैसा मिलेगा है? नहीं, इसमें ये डबल प्रोग्राम है, ये 44-44.5 किलो का देना होगा। 44.5 देना होगा और 40 किलो का पैसा मिलेगा। चालीस किलो का पैसा मिलेगा भाई। देखिए, और ये देखिए भाई, ये तुलाई और भराई जो है, ये पैसा जो है अलग लगते हैं भाई। ये व्यापारी का होता है पैकेट, और ये तुलाई भी व्यापारी की ही होती है।